Assalamualaikum students, welcome to my channel Top Trendy. उम्मीद है आप तमाम students खैरियत से होंगे. Matric और Intermediate के students हो जाएं होशियार. Board की तरफ से बड़ा ऐलान. 2021 pairing scheme क्या होगी? तो dear students, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पेपर की pairing scheme क्या होगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम 2021 की पेयरिंग स्कीम क्या होगी. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि 2021 में आपके पेपर की पेयरिंग स्कीम क्या होगी. तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ है. तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है. पेयरिंग स्कीम का मतलब है कि आपके किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कितने परसेंट आपके किस चैप्टर के लॉन्ग आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और ये तमाम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम पेयरिंग स्कीम कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती चलूँ कि जो पेयरिंग स्कीम आप नेट पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो बहुत सारे चैनल्स की तरफ से भी आपको मिल रही है, तो डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम पेयरिंग स्कीम फेक है. अभी तक पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया. आपको पता है स्टूडेंट्स, आप सबको स्मार्ट सिलेबस दिए गए हैं. मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12, आप सब जानते हैं कि आपके लिए स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है 2021 में. तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स भी सिर्फ स्मार्ट सिलेबस से बनाए जाएंगे. कोई पेयरिंग स्कीम अभी तक ना अनाउंस हुई है और ना ही आगे की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही आपके चैप्टर्स को, आपके क्वेश्चंस को शॉर्ट कर दिया गया है, मिनिमाइज़ कर दिया गया है, और आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए गए हैं कि आपके सिर्फ यही स्मार्ट सिलेबस में ऐड है और बाकी सब जो है वो स्किप हैं. पहले जैसे आपको पता है कि आपके क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के अंदर से भी आ जाते थे, किसी भी तरह से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बना के दिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स सिलेक्टिव पेपर आएगा. स्मार्ट सिलेबस ही बेसिकली आपका पेयरिंग स्कीम है. सो स्टूडेंट्स, जो भी आपको पेयरिंग स्कीम बता रहा है या दे रहा है, तो स्टूडेंट्स आप उस पर बिलीव ना करें. ये सारी फेक न्यूज़ हैं, ये सारे र्यूमर्स हैं. आप अपनी स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करें. आपके लिए स्मार्ट सिलेबस ही आपका पेयरिंग स्कीम है. आपने उसी से ही अपनी तैयारी करनी है. तमाम बच्चों के लिए ये न्यूज़ है. तमाम बोर्ड्स के, पंजाब, सिंध, कराची, तमाम बोर्ड्स के लिए यही न्यूज़ है कि अभी तक कोई भी किस्म की पेयरिंग स्कीम अनाउंस नहीं की गई. बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं कि मैम बताएं 9th की क्या होगी, 10th की क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट्स, ऑफिशियली अभी तक पेयरिंग स्कीम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. आप इन र्यूमर्स पे बिलीव मत करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें. और बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, सिंध का पेपर पैटर्न आ चुका है, लेकिन अभी तक पंजाब बोर्ड का पेपर पैटर्न नहीं आया. स्टूडेंट्स, कल की एक मीटिंग की जाएगी जिसमें पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपके लिए भी न्यूज़ आएगी कि आपका भी पेपर पैटर्न क्या होगा. इंशाल्लाह जल्द ही आपका भी पेपर पैटर्न बताया जाएगा. ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपका पेपर पैटर्न ओल्ड ही हो, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक इससे भी रिलेटेड कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया. इस पे बात की जा रही है कि शायद पंजाब बोर्ड के लिए भी MCQs बेस्ड पेपर बनाया जाए, लेकिन इट्स नॉट कन्फर्म. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ कन्फर्म होगी तो हम आपको विद नोटिफिकेशन दिखाएंगे. उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. आई होप स्टूडेंट्स, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी. आपको पता चल गया होगा कि पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम से रिलेटेड कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई. पेपर पैटर्न से रिलेटेड कराची बोर्ड की न्यूज़ आ चुकी है, बट पंजाब बोर्ड की पेपर पैटर्न से रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई. आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी. उम्मीद है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे. थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वीडियोज. Your like, comments and subscription gives me lots of encourage to create more informative videos for you. So it's my humble request to share this video to your friends so they also get this information at right.
Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Agar aap mere channel par new hai, to kindly subscribe my channel and press the bell icon taki meri new updates aap tak jald se jald pahunche. Thank you and Allah Hafiz.